जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड दिया है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो सेक्शन 12 मीन्स धारा 12 पॉस्को एक्ट कहता था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड करके बताया है, मीन्स उसके वाइडनिंग रूप को, उसके विस्तृत जो है ना स्तर को बताया है। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट में जैसा गाइडलाइंस इशू किया है सुप्रीम कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के अंतर्गत, उसी गाइडलाइंस के बेसिस पे अमेंडमेंट का भी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भारत सरकार। और साथ में भारत सरकार को कहा है कि जब तक अमेंडमेंट नहीं होता है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी निकाल सकती है अमेंडमेंट का, जो अगले सत्र में वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कर दें। तो फैक्ट ऑफ केस था क्या था इसमें कि मद्रास हाईकोर्ट में एक केस पहुंचा था और एक व्यक्ति जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी वो देखा करते थे। जब मद्रास हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो वो व्यक्ति अपने तरफ से साबित करने में ये हो गया, मीन्स साबित कर पाया कि हमने चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखा, लेकिन ना तो उसको सर्कुलेट किया ना ही तो डाउनलोड किया, और जो भी डाउनलोड अगर हुआ तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हुआ, जो व्यूअर को उसका पता नहीं था। तो मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी बातों को मानते हुए जो है ना इस केस को जो है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत नहीं माना। लेकिन इस केस को मद्रास हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया एक एनजीओ ने चैलेंज किया। वो जो एनजीओ जो है वो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, फिर से मैं बता देता हूँ, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, ये एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया, जो ऑर्डर दिया था मद्रास हाईकोर्ट ने, और वो व्यक्ति जो है अपने आप को प्रूव कर पाया कि मैंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो देखा लेकिन ना तो स्टोर किया ना तो सर्कुलेट किया, और स्टोर अगर हुआ तो वो मेरे नॉलेज के बिना हुआ और ऑटोमेटिकली हुआ। जो सेक्शन 12 धारा 12 सेक्शन 12 पॉस्को एक्ट का कहता है उसके हिस्सा मीन्स प्रीव्यू में या उसके एम्बिट में मेरा काज नहीं आता है, क्योंकि सेक्शन 12 कहता है कि आप स्टोर करते हैं सर्कुलेट करते हैं तो फिर वो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आएगा। किसी का चाइल्ड का जो है आप सेक्सुअल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं फिर स्टोर करते हैं या सर्कुलेट करते हैं तो, लेकिन इसमें कैटेगरिया में मेरा कोई सर्कुलेट नहीं आता है। तो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत मद्रास हाईकोर्ट ने जैसा कि मैं बताया कि नहीं माना। लेकिन जब ये चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट जो है बड़े एम्बिट के साथ में बड़े वाइडनिंग रूप से इसको देखना चालू किया। तो इसमें दो जज के एक बेंच बने, इसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और दूसरा जेवी पादरीवाला, और जेवी पादरीवाला ने 200 पेज का जजमेंट इन्होंने लिखा। इनमें जो है जो ऑब्जर्वेशन हुआ और ऑब्जर्वेशन में इन लोग ने डिसाइड किया, तो दोनों जज जो है डीवाई चंद्रचूड़ और फिर जेवी पादरीवाला, इन्होंने पॉस्को एक्ट के सेक्शन 12 इन धारा 12 को वाइडनिंग रूप से जांच करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि सेक्शन 12 धारा 12 जो है ये भी आएगा कि कोई व्यक्ति अगर जो है पोर्नोग्राफी देखता है चाइल्ड का तो वो भी समझा जाएगा कि उसने स्टोर किया सर्कुलेट किया या स्टोर करने का अर्थ हुआ यहाँ डाउनलोड किया और फिर उसको सर्कुलेट
क्या ये माना जाएगा। और इसी एम्बिट को देखते हुए, इसी वाइडनिंग के रूप को देखते हुए जो है, और अपना वाइडनिंग रूप को जो है गाइडलाइंस बनाते हुए, वहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के थे, जो सरकार की तरफ से उनको उन्होंने डायरेक्ट किया कि गवर्नमेंट को अमेंडमेंट की बहुत जल्द ज़रूरत है एज पे गाइडलाइन जैसा सुप्रीम कोर्ट इशू किया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है तो ऑलरेडी जो है ये इमीडिएट वे में नोटिफिकेशन निकाल सकती है अमेंडमेंट का, जिसमें सेक्शन 12 में जो ने व्यू को भी माना जाएगा कि इन्होंने स्टोर किया, सर्कुलेट किया। अब जो है साथ ही इस 200 के जजमेंट में जेवी पाजीवाला ने कहा कि जो भी कोर्ट है ट्रायल करती है वो ऐसा नहीं लिखे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो वहाँ पे अपने जजमेंट में लिखे चाइल्ड एब्यूज, सेक्सुअल एक्सप्लॉटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल। फिर से मैं बता दूँ, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल वहाँ पे लिखे, ना कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी लिखे। और इसको अगर हिंदी में आप कहेंगे तो बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री, यानी बाल यौन शोषण दुर्व्यवहार सामग्री इसको कहा जाएगा। और इंग्लिश में अगर आप कहते हैं तो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल लिखने के लिए निचली कोर्ट में को भी कहा जहाँ पे ये ट्रायल चलती है। तो अब इस तरह से कहा जा सकता है कि चाइल्ड का अगर कोई व्यक्ति अगर केवल देखता ही है इंटरनेट पे या मोबाइल पे तो ये अपराध माना जाएगा और सेक्शन 12 धारा 12 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत उसको सजा भी, साथ में जो है ना आईटी एक्ट को भी उन्होंने एक्सपेंड किया और आईटी एक्ट के अंतर्गत इसको पाया कि कोई व्यक्ति अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है तो आईटी एक्ट के अंदर ये जो है एक ऑफेंस माना जाएगा। मीन्स यहाँ पे दो एक्ट को लाया गया है, एक तो पॉस्को एक्ट सेक्शन 12 और आईटी एक्ट के अंतर्गत जो है ना उस पर कार्रवाई होगी कोई व्यक्ति केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता भी है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।